आज हमारी टीम आई हुई है कल्याणपुर प्रखंड में। कल्याणपुर प्रखंड के एक पंचायत में जिसका नाम है बिरसिंहपुर। यहाँ पर हमारे साथ अभी मुखिया प्रत्याशी भी हैं और 5 साल उन्होंने जो बिरसिंहपुर पंचायत को जो है उन्होंने लीड किया है, यहाँ से मुखिया रह भी चुके हैं। पहले तो इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को। जी पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि 5 साल आप कार्यकाल कर चुके हैं, आपने 5 साल बिताया है। इस 5 साल में 2 साल तो कोरोना ने प्रभाव डाला है विकास कार्यों में, इस 3 साल में आपने अपने पंचायत में क्या क्या विकास का काम किया है, क्योंकि इसी से पंचायत का विकास जुड़ा हुआ होता है, तो आपने क्या क्या 3 साल में काम किया? क्योंकि 2 साल तो कंप्लीट हुए नहीं, लॉकडाउन रहा है, बंद रहा है, काम प्रभावित रहा है, तो आप कैसे क्या क्या काम किए हैं पंचायत के लिए, आप बताएं दोस्तों अपनी जनता को। मेरे पंचायत में हाट परिसर जो हम लोग चोंगी एवं बटकी से मुक्त किए हैं, जिससे किसानों में एवं गरीब जो फुटकर विक्रेता हैं उनको काफ़ी लाभ मिला है। पंचायत अंतर्गत 3 विद्यालय में 4 दीवारें निर्माण कराए हैं। मनरेगा के तहत जगह कई सड़क नया नया सड़क प्रत्येक वार्ड में एक एक सड़क नया निर्माण कराए हैं। 12 वार्ड में आंगनबाड़ी की बहाली हो चुकी है। 12 वार्ड में 7 विषय के तहत जल की जलापूर्ति ठीक ढंग से हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इस पंचायत में पूरा लोगों को मिला है और कोरोना की वजह से कुछ विकास कार्य बाधित हुआ है, जिस वजह से हम जब पुनः इस मैदान में आए हैं और मैं इस पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं और हम पति पत्नी मिलकर इस पंचायत का वो आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से दोबारा हम पुनः जनता के बीच आए हैं ताकि जो भी अधूरे कार्य हैं उसको हम पूरा कर सकें। जैसा कि अभी आपने बताया 7 निश्चय पर चर्चा की है, 7 निश्चय योजना जो है इसको बहुत जगह पर बहुत सारा घोटाला वगैरह हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है इस 7 निश्चय में, तो इस पे अगर पूछा जाए तो आप अपने पंचायत में इसको किस रैंकिंग पे ले जाते हैं और कैसे भ्रष्टाचार पे आपने कमांड किया है? यहाँ 12 वार्ड हैं, 12 वार्ड में सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से काम कराया गया है और हमारे देख रेख में कराया गया है। पूरे पंचायत में करीब 3000 परिवार हैं, लगभग 95% परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इस योजना से हो रही है। कुछ कोरोना के वजह से जो कहीं भी राशि का कम मिला राशि कम राशि की वजह से कुछ वार्डों में वार्ड सदस्यों ने पूरा हर घर को जल आपूर्ति नहीं कर पाया है, इसलिए हम पुनः सरकार पुनः सत्ता में आने पर सभी वार्ड के शेष जो 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 वंचित हैं उन वंचितों को पूरा जलापूर्ति करेंगे और जो भी राशन कार्ड से वंचित परिवार हैं उनसे भी नियमानुकूल उनको प्रेरित करेंगे कि वो नियमानुकूल आवेदन करें और उनको राशन कार्ड मुहैया हो। मेरे पंचायत में मेरे इस 5 साल कार्यकाल में करीब 500 से भी ज़्यादा नए लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ में हम सहयोग किए हैं। जल वितरण प्रणाली में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और 6 डीलर हैं। पहले पूर्व चुनाव से पूर्व मात्र 3 डीलर थे, वर्तमान में 6 डीलर हैं और सभी लोगों को 100 समय खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। पंचायत भवन परिसर को भी चुस्त दुरुस्त किया गया है, बिजली और पानी की व्यवस्था उसमें की गई है और सरकार कोरोना काल में भी मैंने सभी परिवार को 2-3 राउंड मास्क जो है मास्क साबुन सरकार के नियमानुकूल दिया है। इस संबंध में किसी जनता को हमसे कोई शिकायत नहीं है, विरोध। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो आपने 5 साल जो काम किया है वो तो अभी भी है,
अभी अगर आप आ रहे हैं फिर से, तो आप क्या आगे विकास का काम जो अधूरा लगता है कि इस पंचायत में अधूरा रह गया है आपको पूरा करना है, वो कौन कौन सा काम आपको लगता है कि जरूरी है प्राथमिक स्तर पे आप अपने पंचायत में करें? प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला काम है कि भीषण बारिश में जल जमाव हो जाता है, जल जमाव की समस्या के निदान के लिए पूरा नाली का पक्का नाला का निर्माण कराना मेरी प्राथमिकता होगी। जो शेष विद्यालय बच गए हैं जिसमें चार दीवारी है उसको निर्माण कराएंगे, पंचायत सरकार भवन का जमीन उपलब्ध कराकर पंचायत सरकार भवन बनाएंगे और सभी वंचित जो प्रधानमंत्री आवास के योग्य लाभुक हैं उनका सर्वे कराकर नियमानुकूल उनको आवास दिलवाने में सहयोग करेंगे। जो भी पंचायत कर्मी पंचायत में हैं वो नियमित रूप से पंचायत भवन पर उपस्थित रहकर जनता का काम सुचारू रूप से करें, इसकी हम पूर्ण व्यवस्था करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता होगी। 50% जो है गवर्नमेंट आरक्षण भी दी हुई है महिलाओं को, महिला फिर भी पीछे है, तो आप अपने पंचायत में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच रखे हैं, कैसे उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पंचायत में जीविका के माध्यम से बहुत से स्वयं सहायता समूह हैं जिन्हें इसमें जो महिलाएं ऋण लेना चाहती है उन्हें ऋण मिला दिया है जीविका के माध्यम से, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी इच्छुक महिलाएं हैं अधिक से अधिक महिलाएं बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार करें, अपना व्यापार करें, जिससे उनका उसकी आमदनी होगी और उनका परिवार खुशहाल होगा, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और इस तरह हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक महिलाएं वो स्वरोजगार से जुड़े और बैंक इस कार्यकाल में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से सभी महिलाओं को इच्छुक महिलाओं को जोड़ेंगे ताकि वो इससे लाभान्वित होकर अपने जीविकोपार्जन कर सके। कोरोना के वजह से हम एक इस कार्य को नहीं अभी तक करा पाए हैं ठीक से, लेकिन आगामी चुनाव परिणाम के बाद हम सभी महिलाओं को कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग से जोड़कर और उनको बैंक से ऋण दिलाकर, मेरे गांव में बंधन बैंक की शाखा भी मेरे मकान में है, बंधन बैंक के भी शाखा प्रबंधक से मिलकर, सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक से मिलकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे, लघु उद्योग के लिए प्रेरित करेंगे, यही हमारी। आजकल युवाओं में एक प्रचलन चल गया है कि बहुत ज्यादा नशा की ओर भाग गया है, उसका मुख्यतः कारण देखने के लिए मिल रहा है कि बेरोजगारी, शिक्षा का तो अभाव है ही, बेरोजगारी भी है चरम सीमा पे, तो आप अपने पंचायत में रोजगार की दिशा में युवाओं को के लिए क्या कदम उठाएंगे और जिससे कि उनका जो है नशा वगैरह करने लगे उसे दूर जाने लगे, इस पे आप कैसे काम करेंगे आप अपने पंचायत में? अभी मेरे पंचायत ही नहीं पूरे बिहार में कोरोना महामारी के वजह से युवा बेरोजगार हो गए हैं, जिस वजह से वो नशापान या कर रहे हैं और जिससे काफ़ी नुकसान है समाज को, राज्य को, पंचायत को। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी युवा स्वरोजगार से जुड़े, कुटीर उद्योग से जुड़े और अपना काम में लग जाएंगे तो वो नशा का सेवन नहीं करेंगे और उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो निश्चित रूप से इस दिशा में सोचेंगे। और अभी महामारी के वजह से, कोरोना महामारी के वजह से हम बहुत इस काम को जो ठाने थे उसको बीच में व्यवधान पड़ गया, इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं इस बात को ना रेखा देवी को जिताएं और देश में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, देश में ही और पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रशासनिक उदासीनता भी भ्रष्टाचार के लिए देखते हैं, संलिप्तता भी देखने को मिलता है, प्रशासनिक संलिप्तता भी, तो आप अपने पंचायत में भ्रष्टाचार पे कैसे कमांड किए हैं इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पंचायत में, हमारी पंचायत जनता जानती है कि 5 साल में बहुत हर क्षेत्र में
विकास का कार्य हुआ है और विकास का कार्य वार्ड सदस्य एवं जनता के सहयोग से ही हुआ है। जितनी भी योजनाएं हैं, योजना का चयन वार्ड सभा एवं आम सभा के द्वारा किया गया है और सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। आज जहाँ जहाँ जल जमाव होता था नाला बनने से निश्चित रूप से लोगों को उसका लाभ मिला है। इस बार इस 5 साल में आवास के लिए योजना के बनाने के लिए मैंने भी लोगों को प्रेरित किया और लगभग विगत 5 साल में 500 से ज़्यादा आवास बनकर तैयार हो गया है। और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के लिए हम जनता से एक अपील करते हैं कि आपके पास कोई भी व्यक्ति पैसा मांगने जाए उसकी सीधी सूचना BDO को दें या इसकी सूचना BDO साहब को दें, इसके बाद निगरानी विभाग को भी दें, इसकी सूचना हमें भी दें और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हम आप सबों से वचन देते हैं। आप सबों को, जैसा कि मुखिया जी आपका घोषणा पत्र हमारे हाथ में है, इस घोषणा पत्र में आप 10 जो है प्रमुखता के आधार पर घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, पूरे पंचायत में सड़क किनारे एवं जहां जहां जरूरत होगी पक्का नाला का निर्माण करना, दलित महादलित बस्ती में सड़क एवं पहुंच पथ का निर्माण करवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में से छूटे सभी जरूरतमंद परिवारों को खोज खोज कर सभी परिवारों की सूची तैयार करना ताकि कोई भी परिवार वंचित न रहे, पंचायत अंतर्गत सभी वृद्ध एवं विधवा जो पेंशन से वंचित है उन सबों को पेंशन का लाभ दिलाना, पंचायत में राशन कार्ड से वंचित परिवारों को अविलंब राशन कार्ड बनवाना, पंचायत में कार्यरत सभी कर्मियों की पंचायत में उपस्थिति अनिवार्य कराना, शेष सभी विद्यालयों में 4 दीवारी का निर्माण कराना, सभी बाहों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाना, जगह जगह की उपलब्धि के उपरांत पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना, पेयजल योजना के लाभ से वंचित लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान कराना। मुखिया जी ये आपका घोषणा पत्र है, क्या आप इसको पूरे अपने पंचायत में लागू करेंगे? इससे पूर्व भी जो घोषणा पत्र दिए थे उसके अनुरूप मैंने काम किया था, कुछ काम कोरोना की वजह से बाधित हुआ, इसलिए हम जनता से पुनः अपील करते हैं कि हम जो भी घोषणा पत्र में गए हैं उसको अक्षर सह और समय रहते निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यदि हम पूरा नहीं करते तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बोलिए, हम पत्रकार चौथे स्तंभ होते हैं, वो समाज को और देश को सही दिशा देते हैं, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इस बात को वो पूरे जगह निश्चित रूप से प्रकाशित करें ताकि हमारी बात जो है लोग जनमानस तक पहुंचे और हम निश्चित रूप से जो भी बात घोषणा पत्र में कहे हैं उसको अच्छा सा पूरा कर जनता के विश्वास पर खड़े करेंगे। यही हमारी आप सबों से अपील है।